हाय हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव फार्मा यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विजय। आज शायद नेट बहुत लोगों का ख़त्म हो चुका है, इसलिए पॉपुलेशन ज़रा कम है। हाय हाय अभिजीत। प्लीज शेयर टू ऑल, शेयर कीजिए। 1 मिनट में हम चालू करेंगे अभी सभी जो है अपने फ्रेंड्स। उनको शेयर कीजिए। वो जो एमसीक्यूज हैं मैंने निकाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फार्मेसी रिलेटेड, कि वो आप बेस्ट ऑप्शन काय करा घरी, बाकी पण मोबाईल असतात त्यांचा हॉटस्पॉट घेऊ शकता तुम्ही। ओके ओके सो किती जरी आले तरी आता घेणारच आहेत आपण, काही विषय नाही। प्लीज फास्ट शेयर कीजिए 1 मिनट में, सो वी कैन स्टार्ट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, हाय हाय सचिन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, तुम्हाला मी वेळ देईल प्रत्येक एमसीक्यूच्या पाठीमागे, मैं टाइम दूंगा आपको। उस टाइम में आपको क्या करना है, आंसर कमेंट करना है। ओके सो बाद में आपको भी जजमेंट आएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट आ चुके हैं। ओके आज थोड़ा पॉपुलेशन कम ही रहेगा क्योंकि नेट बहुत लोगों का ख़त्म भी हो चुका होगा। ओके सो गुड इवनिंग, ओके गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए। ओके आर यू रेडी? जो नहीं आए वो देख लेंगे बाद में, ग्रुप पे भी मैं शेयर कर दूंगा ये। आर यू रेडी? यस ओके। क्या होता है कि कभी कभी लेट आते हैं और पिछले क्वेश्चन के आंसर का कमेंट कर लेते हैं, तो बीच में ही कमेंट किसी का आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टार्ट करते हैं अब हम। प्लीज लाइक, लाइक कीजिए सभी। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके सो दी पेपरचा अजून काही फायनल आलेलं नाही आहे, गव्हर्नमेंटकडून 8 दिवसात येणार आहे म्हणून त्यांनी सांगितले। बघूया काय होतं, कळलं आपल्याला 8 दिवसात एक्झॅक्टली। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अँड युअर टाईम स्टार्ट्स। And the correct answer is EMP pathway. Glycolysis is also called as a
EMP pathway. It is the first major process in the mechanism of the respiration. Okay, इसे क्या कहते हैं EMP means Professor Embden Mayer of and Parnes. Embden Mayer of and Parnes, इसकी वजह से इसे क्या कहते हैं EMP pathway हम कहते हैं. Okay, then next. And the correct answer is cytoplasm. Glycolysis occur in the cytoplasm. That's why this glycolysis is called as a cytoplasmic pathway or the cytoplasmic respiration. Okay. इसे क्या कहते हैं cytoplasmic respiration भी कहते हैं cytoplasmic pathway भी इसे कहते हैं because they occur in the cytoplasm. कल मैंने ये बताया था आपको cytoplasm में ये होता है. Next. And the correct answer is A option. Okay, glycolysis is an example of aerobic respiration. अब option में से जाइए, देखिए जो option में है वो ही answer choose करना है aerobic. अगर यहाँ पे anaerobic होता तो glycolysis it is the common pathway in the aerobic and the anaerobic respiration. दोनों जगह पे ये क्या होता है pathway होता है. Okay, so and अगर ये oxidative phosphorylation होता है यहाँ पे D option में तो ये भी answer होगा. ओके, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी इस पाथवे में होता है. फास्फोरिलेशन होता है हमने ये देखा है, लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता. डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस इन दी सिट्रिक एसिड साइकिल. ओके, क्रेब साइकिल में क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस होता है. सो आंसर यहाँ पे क्या है करेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन इज द करेक्ट एरोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. The correct answer is B option. That is one molecule of PgAl and one molecule of dihydroxyacetone phosphate. Okay, मैंने बताया था this process is called as a cleavage. इसे क्या कहते हैं cleavage भी कहते हैं. This takes place in the presence of aldolase enzyme.
फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 6 कार्बन आइटम होते हैं उसमें, वो कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल में, दैट इज 3 कार्बन आइटम ऑफ पी जी ए एल 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड एंड 3 आइटम ऑफ डी एच ए पी, दैट इज द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, तीन तीन मॉलिक्यूल यहाँ पे स्प्लिट होते हैं। नेक्स्ट, द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट स्टेप एंड दी थर्ड स्टेप। ओके, ये दोनों जो स्टेप्स है, इस दोनों स्टेप में क्या होता है, दैट इज दी यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, मीन्स यहाँ पे क्या होता है, एटीपी का कन्वर्जन किस में होता है, एडीपी में, और ये क्या है, फॉस्फोराइलेशन स्टेप है, मैंने बताया था। ओके, मीन्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन, ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है, तब एटीपी यूज होता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में होता है थर्ड स्टेप में, तब भी क्या होता है, एटीपी यूज होता है। सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप ये है, ऐसे स्टेप्स है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज कन्वर्जन ऑफ पी जी ए एल टू बी पी जी एल, मीन्स यहाँ पे देखिए क्या होता है, पी जी ए एल दैट इज द 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड कन्वर्ट होता है 1,3 डाइहाइड्रोक्सी 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में, तो एट दैट टाइम ऑक्सीडेशन एंड द फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस, तब क्या होता है, एन ए डी का कन्वर्जन क्या होता है, एन ए डी एच टू, इट इज द 6 नंबर स्टेप वहाँ पे ये होता है, और एन ए डी एच टू क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट। The answer is both A and B.
देखिए पहले स्टेप क्या है, पहले इरिवर्सिबल है, बाद में जब टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीएल फॉर्म होता है, ओके धाप का कन्वर्जन पीजीएल में होता है, तब जाके क्या होता है, इरिवर्सिबल स्टेप भी होते हैं। सो इट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ। नेक्स्ट, एंड यूर करेक्ट आंसर इज पायरवेट। ओके, पायरवेट क्या है, हमारा एंड प्रोडक्ट है थ्री कार्बन कंटेनिंग टू मॉलिक्यूल्स पायरवेट के, क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस के एंड में फॉर्म होते हैं। ओके, मीन्स पी ई पी ए, ओके PEPA लास्ट लास्ट स्टेप जो है ATP जनरेशन सेकेंड स्टेप, उसका कन्वर्जन किस में होता है, पायरवेट में होता है। नेक्स्ट, एंड योर करेक्ट आंसर इज 4 और 2। देखिए 4 ATP का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन बोला कितना ATP का होता है, यहाँ पे 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं और 2 ATP क्या होते हैं, यूटिलाइज होते हैं। 2 ATP क्या होते हैं, यूटिलाइज होते हैं। नेट ATP कितने बाकी रहते हैं, 2। और NADH2 बोला तो NADH2 कितने तैयार होते हैं, 2। और NADH2 से ATP फॉर्म होते हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, ATP का प्रोडक्शन कितना होता है, तो 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं, 2 यूज होते हैं, रिमेनिंग कितने रहते हैं, 2 रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एंड योर करेक्ट आंसर इज हेक्सोकाइनेज। ओके, ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में होता है, दैट इज द फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे ATP का कन्वर्जन ADP में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंड को फैक्टर इसको लगते हैं, मैग्नीशियम 2+ एंजाइम, इसको को फैक्टर यहाँ पे लगता है। ओके, नेक्स्ट।
एंड योर आंसर इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ से अगर देखिए 50 एमसीक्यू हो तो आप जल्दी में क्या कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। एडेनोसिन टेट्रा नहीं, एडिनिन नहीं, एडिपोज नहीं, दैट इज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके नेक्स्ट। And your correct answer is 7.3 किलो कैलोरी ओके पर मॉलिक्यूल। ये है एक ATP से हमें क्या होता है, फॉर्म होता है। नेक्स्ट। एंड योर करेक्ट आंसर इज डिहाइड्रेशन। देखिए फर्स्ट थ्री स्टेप जो है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इंटू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट दैट इज फॉस्फोरिलेशन वन, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट इंटू द फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट दैट इज आइसोमराइजेशन, एंड कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट इंटू द फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट दैट इज सेकंड फॉस्फोरिलेशन। ये तीन स्टेप को क्या कहा जाता है, प्रीपरेटरी फेज कहा जाता है, डिहाइड्रेशन उसमें नहीं है। देन नेक्स्ट। ओके एंड योर करेक्ट आंसर इज 3 ATP। एक NADH2 3 ATP देता है, एक FADH2 कितना ATP देता है, 2 ATP देता है, एक GTP इज इक्वल टू 1 ATP। ओके 1 ATP। सो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने उस पर निकाले हैं, बेसिक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में यूजफुल रह सकता है अगर आया तो। देखिए एक टॉपिक आपने अच्छा कर लिया, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, एक टॉपिक अगर अच्छा कर लिया तो देखिए तो MCQ आपको आएगी। देखिए स्कोर बताइए आपका कितना है, किसका कितना कितना स्कोर है बताइए मुझे। तो अच्छे तरह से कर लिया तो वो MCQ आपको आ जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए मुझे 14 में से कितने कितने आए हैं आपके, 13, गुड 13, ओके 13 13, वाह वाह अच्छी बात है, 12, वाह गुड 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 11 12 गुड 10 गुड 10 गुड
ओके 13 गुड ओके ठीक है, अच्छी बात है। डेली स्टडी करो, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, कभी भी काम आएगा ये। आप लंबी सोचो, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं अभी क्या एग्जाम होगी नहीं होगी, तो एग्जाम सामने आ जाएगी तो आप तैयार नहीं रहोगे, ऐसा होगा। हमें चलते जाना है, फ्यूचर में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, यानी कि आप गवर्नमेंट के एग्जाम दोगे, फार्मेसी के दोगे, जीपैट दोगे, ग्रेजुएशन करोगे, तो आगे भी एग्जाम लाइफ में फेस करनी है, तो इसी प्रैक्टिस कंटिन्यू चालू रहनी चाहिए, ठीक है। सो सभी को गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, ओके कल कौन सा टॉपिक लेना है आप ज़रा बता दीजिए, तो कल डिटेल लेंगे, ज़रा नेट बचा के रखो, लास्ट तक सभी रहने चाहिए, ज़रा जोश आता है। आज के टॉपिक में देखो इतना कवर हो गया है, तो आपके 3 क्वेश्चन एग्जाम के 101% कवर हो गए आज के टॉपिक में, 3 क्वेश्चन आपको आने ही वाले उसमें थ्योरी एग्जाम में, ठीक है। और एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन द यूरिनरी सिस्टम, वो भी लेंगे हम। तो कल कौन सा टॉपिक लेना है हमें आप एक बार बता दीजिए। बीसीपी साइकिल कंटिन्यू करेंगे क्या, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रेब साइकिल, उसके आगे के साइकिल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सभी रेडी है इस पर, कोई इश्यू नहीं, उदय घेना रहे अपन 100%, उदय घे अपन कई प्रॉब्लम नहीं, उद्या घे, उद्या टेस्ट राहू दे, उद्याचे दिवस लेक्चर उद्या आधी पहले कंटिन्यू करू अपन। साइकल्स हमारे ग्लाइकोलाइसिस हुई है, क्रेब साइकिल बाकी है, आगे की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बाकी है, उसके आगे के प्रोटीन मेटाबॉलिज्म उसके साइकिल है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजिनेसिस, ओके यूरिया साइकिल, कोरी साइकिल, ये सब सब साइकिल इंपॉर्टेंट है वो लगे चैप्टर। विटामिन घ्यायचा आहे का, कौन सा भी लेगे आप बोलो, विटामिन लेंगे फिर कल। इरगोड साइकिल का वीडियो बनाया है मैंने, ओके पूरा डिटेल वीडियो है, इरगोड साइकिल का ऑलरेडी लिया है, वो मैं ग्रुप पे सेंड करता हूँ, ग्रुप में आप होने सभी आप ग्रुप में रहिए, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ओके इरगोड साइकिल पे मैंने वीडियो बनाया है, ओके इरगोड साइकिल पे मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है ठीक है। मैं ही डिसाइड करता हूँ, आप दो आए हैं पॉइंट, विटामिन और इरगोड, विटामिन और साइकिल दोनों में से एक मैं करता हूँ फाइनलाइज, ओके थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस, थैंक्स वंस अगेन।